हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रिवाइंड जैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, अक्टूबर का मंथ साल 2023। ठीक है, इस रीडिंग को आप किस बेसिस पे देखने चाहिए, आपको किस बेसिस पे देखना चाहिए, आपको मून साइन के अकॉर्डिंग, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा रूल सेट नहीं है कि आप मून साइन के हिसाब से ही देखें, सन साइन के हिसाब से ही देखें, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी जो मर्जी, जो राशि आपको लगता है कि आपके लिए कनेक्ट करती है, आप उस राशि के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, और यस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मैं थी था बोलूंगी, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ, लड़का या लड़की। इसमें आपको जो है सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, बाकी रीडिंग जो है आप ही के लिए है। ठीक है, इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, करियर, फाइनेंस, लव, एवरीथिंग। जो लव के लिए अलग रीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए मैं वीकली रीडिंग्स डालती रहती हूँ। वीकली रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हो आप लोगों के लिए, अलग से मैं डालती रहती हूँ। और ये है मंथली रीडिंग। ठीक है, और इसके अलावा यस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई अन्य जानकारी चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऊपर आप डिटेल्स में देख सकते हो कि आपके लिए स्क्रीन पे भी सब डिटेल्स मेंशन है, और नीचे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब मेंशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंट्रो हो गया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक राशि जो है मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ एरीज यानी कि मेष राशि के साथ। देखेंगे अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। आज कार्ड्स शफल होने के मूड में ही नहीं है। यूनिवर्स मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना ओवरऑल बताएं कैसा रहेगा। अक्टूबर का मंथ और मेष राशि। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कप्स। मेष राशि वालों, वैसे आप लोग काफी ज्यादा स्टबन रहते हो, जिद में। एक बार आप लोग कुछ ठान लो तो बस फिर किसी की नहीं सुनते। क्लियरली वो एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है अक्टूबर महीने में भी, अक्टूबर मंथ में भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि आपको जो है जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है, या किसी ना किसी तरीके के ना आपकी तरफ से शिकायतें दिखाई दे रही है कि नहीं मुझे और बेटर चाहिए, और बेटर, इससे अच्छा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ज्यादा और बेस्ट आउटकम्स चाहते हैं, कहीं ना कहीं और बेस्ट की स्थिति बनाना चाहते हैं। बेसिकली ऐसा लग रहा है जो चल रहा है उससे आप कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं हो। अक्टूबर मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ और बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ और क्रिएटिव करने की जरूरत है, कुछ तो नया करना पड़ेगा, और ज्यादा बदलाव, और ज्यादा जो है लाइफ में लक लाना है, हैप्पीनेस लानी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो कि अपने प्रेजेंट पे कोई फोकस ही नहीं है। जो प्रेजेंट में मिल रहा है उससे आप कुछ खास खुश नहीं हो, आपको और चाहिए, और ज्यादा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके अंदर जो है इसके वजह से पैशन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, उत्साह बढ़ रहा है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है। ठीक है, अगर करियर में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो ना मेष राशि वालों, तो करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, बहुत सारी का मतलब ऐसे नहीं कि बस लाइन पर लग गई है कंटिन्यू, बस अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नहीं, ऑफर्स हैं बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि और बेटर चाहिए, और अच्छा, मुझे इससे और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जिसकी वजह से आप कुछ खास कोई भी ऑफर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। करियर में भी कह रही हो, जैसे बिजनेस में अगर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक अच्छा इन्वेस्टर मिल रहा है पर आप सोच रहे हो और अच्छा इन्वेस्टर चाहिए, कोई पार्टनरशिप का आइडिया दे रहा है या पार्टनरशिप दे रहा है तो आप मना कर दे रहे हो। बेसिकली इस वक्त आपके मूड के और मिजाज के कुछ खास ही ऐसा लग रहा है कि अलग ही मूड में हो आप, और स्टबन बहुत हो। ठीक है, स्टबन एनर्जी में भी हो, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहां पर आप जिद पे अड़े हो कि नहीं मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मेरे कुछ जैसे चाहिए, मतलब एग्जैक्टली आप थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल होने से इनकार कर रहे हो। आप फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते, अक्टूबर के महीने में दिख रहा है फ्लेक्सिबिलिटी मिसिंग है, बट अपॉर्चुनिटीज है। करियर में जो लोग जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जिन लोगों को फाइनेंसिस में ग्रोथ चाहिए उनके लिए ग्रोथ भी आती हुई नजर आ रही है, जिनको अपने बिजनेस को एक स्तर ऊपर ले जाना है वो ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं। इस महीने में आप मुझे कुछ खास सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे, संतुष्ट नहीं हो किसी भी चीज से, जो मिल रहा है उससे आप कुछ खास हैप्पी नहीं हो, आपको और ज्यादा चाहिए, आपका ध्यान पूरा फ्यूचर पे है, जो प्रेजेंट में मिल रहा है उसमें आप थोड़े से डगमगाहट में हो। जहां पे मैं बात करूं आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है भाई स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छा पढ़ोगे, बहुत अच्छा फोकस रहेगा, पढ़ाई में ध्यान अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप अलर्ट हो, बट हाँ थोड़ा बहुत जो है मन चंचल भी रहेगा, मन जो है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत भटकेगा, बट उसको लेकर गिल्ट मत फील करना, थोड़ा एंजॉयमेंट का अधिकार आपको है।
थोड़ा सा भी ऐसे मत सोच लेना कि अरे मैंने आज का दिन एंजॉय कर लिया, मेरी स्टडी का जो है एक दिन वेस्ट हो गया, अब मेरा क्या होगा। क्योंकि सोच विचार में बिना वजह की गिल्ट आ जा रही है आपकी कि अरे ये मैंने क्या कर लिया, आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, अरे ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, कोई बुरी बात नहीं। ओके, एक दिन खुद को ब्रेक दिया, दो दिन ब्रेक दिया, कोई बात नहीं। हाँ, लंबे ब्रेक पे चले गए डेफिनेटली, तब कोई बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग, मैं अगर कहूँ लव लाइफ के एंगल से ये रीडिंग्स को देख रहे हैं, भाई लव लाइफ में तो आपका एक नया जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नए अवतार में क्रिएट हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत सारे चेंजेस देखे जा रहे हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं भगवान पे सब सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि भगवान तू देख लेगा सब कुछ, तेरे को करना है जो अच्छा करना होगा तो भी तेरी मर्जी, जो बुरा करना होगा तो भी तेरी मर्जी, मतलब तेरे ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ लिया, बाकी तू जान, तेरा भगवान, मतलब जो बोलते हैं तेरा काम जाने। आप कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं हो चीजों को लेकर। हाँ, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, ऐसा जरूर दिख रहा है कि लव लाइफ में चाहते हो, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो मैं कहूंगी कि आप लोग चाहते हो कि लव लाइफ में और एक कदम आगे बढ़ जाए या स्टेप हो जाए या कॉन्टैक्ट में आ जाओ। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को मिस बहुत कर रहे हो, इस महीने आप मिस करते हुए जरूर नजर आ रहे हो, स्पेशली मुझे एंड ऑफ अक्टूबर में आप ज्यादा मिस करते नजर आ रहे हो। अक्टूबर के अंतिम समय पे आप ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं और सोच रहे हैं क्यों मतलब चीजें अभी तक स्थिर नहीं हुई, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप अपसेट हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप बॉदर्ड, आप परेशान है, परेशान नहीं हो, आपका ऐसा ही सब भगवान पे छोड़ दिया है। ठीक है, आप ऐसा लाइक प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि ठीक है यार मुझे उनकी कुछ याद आ जाती है, मैं उनको याद करूंगा या याद करूंगी, लेकिन उस चीज को लेकर मैं अपनी जिंदगी को खराब नहीं करूंगा। तो आप अपने आगे की अपॉर्चुनिटीज को देखते चले जा रहे हो, आप कैसे कि चलो आगे की अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना है और अपनी जिंदगी में और क्या बेहतर आ सकता है उस पर फोकस करेंगे। हाँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, एक चीज और मैं देख रही हूँ, अगर इस समय पार्टनर का ऑफर आ भी गया ना, या प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव इन द सेंस रिलेशनशिप या शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे कहूँ कि अगर पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश भी करेगा तो भी आपका ऐसा है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे इस वक्त मूड नहीं है, मेरे को अपने आप में रहना है, इट्स बेटर कि तुम मुझसे दूर रहो, या किसी ना किसी वजह से आपकी तरफ से कुछ अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा कलेश या शिकायतें देखी जाएंगी, आप अपने पार्टनर से थोड़े से नाराज से नजर आओगे कि नहीं यार मुझे बात नहीं करनी, मतलब तुम नहीं सुधर सकते या तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, कोई उनकी वाणी की वजह से, जो लोग ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में है वो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी स्थिति बन रही है कॉन्टैक्ट में आने की, लेकिन आपका ऐसा है कि नहीं यार मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ ऐसा सुन रहे हो जिससे आपका मन ऐसे हो जा रहा है कि ठीक है मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं, अब जो है डिस्टेंस ही रखना है, बेटर है तुम मुझसे बात मत करो। ठीक है, लेकिन जो लोग अप्रोच कर रहे हैं सामने से, अब कुछ लोग देखो अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से और थॉट से चलता है। जो लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने के लिए, वैसे तो आपकी स्थिति में मुझे दिख रहा है कि आप बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन खुद बहुत समय से ट्राई कर रहे हो अगर बात करने के लिए, तो वहां पर भी आपको जो है किसी तरीके की निराशा देखने को मिलेगी, यानी कि किसी ना किसी तरीके से लव एंगल्स में, रोमांटिक लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम या ऐसी एक एनर्जी बनेगी जहां पे स्पेस आ जाएगी, थोड़ी से ना आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कुछ कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ऐसा लगेगा कि आप ठीक कर रहे हैं तब भी बात नहीं बन रही, वो ठीक कर रहे हैं तब भी आपका मन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे डिफरेंसेस जरूर देखे जाएंगे। सिंगल हो अगर आप किसी और तरीके की अपॉर्चुनिटीज को चेक कर रहे थे या आप सोच रहे थे चलो यार आगे बढ़ जाए, तो आप डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन को इस समय डेट करने का सोचेंगे और किसी थर्ड पर्सन की तरफ से लाइक ऐसा दिख रहा है कि बातचीत शुरू भी करेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आएगी, हालांकि उसमें कुछ खास इंटरेस्ट आप लेंगे नहीं, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में एक तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर कर सकता है, तीसरा यानी कि पहला जो है वो तो है और तीसरे की भी एंट्री हो सकती है अगर आप ढूंढ रहे थे या खोज रहे थे, तो एक और एंट्री एक्सपेक्टेड है। बट जो लोग शादी वगैरह के लिए देख रहे हैं, यार तुम्हें एफर्ट थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, शादी वगैरह के लिए अप्रोच चाहिए तो थोड़ा सा एफर्ट डालो, एकदम से जज मत करो सामने वालों को कि भाई ये बंदा गलत है ये बंदी गलत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है तुरंत से गिव अप कर देते हो, तुरंत से आपका थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा चाहिए, मतलब इतनी ज्यादा आपकी मिस्टर या मिस परफेक्ट की जो एक इच्छाएं हैं, एक थॉट है, इसके वजह से ना आपका कैसा थॉट हो रहा है कि नहीं मुझे ना वैसा ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, तो भाई परफेक्शन के चक्कर में ना आपके अच्छे अच्छे जो ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, आप उसको देख नहीं रहे हो, तो ऐसी दिक्कत मुझे दिख रही है। तो सिंगल थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा एडजस्ट करो, परफेक्ट कोई नहीं होता, शादी के बाद बनाते हैं हम परफेक्ट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात समझने की जरूरत है, परफेक्शन किसी में भी नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा ही और किसी में तो शायद 40-50 और बहुत ज्यादा कम हो जाए, लेकिन आप शादी के बाद उन्हें डेवलप करते हैं, ठीक है, तो ये बात समझने की जरूरत है। प्रस्ताव अगेन मैं कहूंगी मेष राशि वालों, आप लोगों के लिए प्रस्ताव बने हुए हैं, लेकिन आप में ना अक्टूबर के महीने में वो दिक्कत दिखाई दे रही है जहां पर आप जो है
बस शिकायतों पे, नाराजगी पे, कंप्लेंट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली, वो चीज मुझे क्यों नहीं मिली, मतलब ना मिलने का दुख ज्यादा है, जो मिला है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। इस समय, इस महीने में ग्रेटिट्यूड की भावना जरूर कहूंगी अपने मन में ले आओ, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाओ, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्र करना सीखो, भगवान ने जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो, तभी आपके जीवन में और क्रिएट होगा, और ज्यादा आएगा, और अति क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप एरीस राशि वालों के लिए मैं एक और चीज, अगर हिंदू धर्म के हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहूंगी। हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, वो आपके लिए और ज्यादा जो है बेटरमेंट या आपकी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएगा। ओवरऑल अगर आप नॉर्मली और भी किसी लाइक कास्ट के, तो मैंने ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी कहा, डेली ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो, थैंक यू लिखना शुरू करो कि किस किस चीज के लिए आप थैंकफुल हो। जो लोग विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, भाई साहब विदेश यात्रा के लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजी तो जरूर हो जाएगी, या बहन जी आप जरूर कर लेंगे प्लानिंग, लेकिन इस समय, इस अक्टूबर के मंथ में आप विदेश यात्रा नहीं करेंगे। हाँ, कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर से, तो वो कॉल जरूर आ जाएगा। कॉल एक्सपेक्टेड अगर है मन में कि भाई यहाँ से कॉल आ जाए, तो कॉल आ जाएगा। ठीक है, ये एक है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। हालांकि आप सिर्फ प्लानिंग करेंगे, आप कहीं जाते हुए, कहीं घूमते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं। बाकी हाँ, पैसों को लेकर मैं देख रही हूँ कि सेविंग्स भी बहुत अच्छी करेंगे, सेविंग्स पे भी आपका अच्छा खासा ध्यान होगा। फाइनेंसेस होंगे, लेकिन आपको लगेगा और ज्यादा होने चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन समझो 1 करोड़ की है, तो अगर आपके पास आ रहे हैं 50 लाख या समझो 6 लाख 7 लाख, तो आप उससे संतुष्ट नहीं हो। और अगेन एज सेड ना, कि जैसे अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे, आप नोटिस करोगे कि वो 6 का खुद ब खुद डबल और ट्रिपल होना शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस समय मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इंट्यूशन बहुत हाई होगी आपकी, इंट्यूटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी इस महीने। दिमाग से बहुत ज्यादा तेज तो रहेंगे, पर थर्ड आई भी बहुत ओपन रहेगी, जिसके वजह से आने वाले समय को भाप लेंगे, जल्दी से समझ जाएंगे कि आगे क्या हो सकता है, जिसके वजह से आपके एक्शंस में किसी तरीके के परिवर्तन देखे जा सकते हैं, यानी कि खुद को कुछ स्टेप्स जो है चेंज करने के लिए लगाएंगे। प्लस साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो आपके जीवन में, जहां तक मैं देख पा रही हूं, कि बैलेंस जरूर रहेगा, बैलेंस की सिचुएशन है। माता पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी रहेगा, भाई बहनों के साथ भी हंसी मजाक रहेगा, पारिवारिक रूप में देखूं तो बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में भी अगर मैं कहूँ, जो लोग मियाँ बीवी साथ रहते हैं, एक लाइक हैप्पी मैरिड टाइप की एनर्जी है, तो उन लोगों के लिए भी मुझे रोमांस ही दिख रहा है। मतलब रोमांस अलग, हैवी वाला रोमांस नहीं, प्यार वाला रोमांस नहीं, प्रैक्टिकल रोमांस, एक दूसरे को बस खाना खिला दिया या साथ में खाना खा लिया, एक कप कॉफी पी ली, वो वाला रोमांस जरूर है। पति पत्नी के बीच में मुझे ज्यादा कलेश नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, जिन लोगों के सेपरेशन वगैरह की बातें चल रही है, उनके लिए मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो आप लोगों के लिए ही था। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्थिति वैसे बन रही है, फिर भी आप लोग वीकली रीडिंग देख सकते हैं, वीकली रीडिंग में और डिटेल्स आप लोग को मिलती है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूं तो आप लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं भरा हुआ है, चीजें बेहतर है, इवन सोशल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी है, आपके दोस्त बहुत बन सकते हैं, या दोस्तों के कॉल्स वगैरह आ सकते हैं, वो आप कहीं बुला सकते हैं पार्टी वार्टी के लिए, तो आप जाएं, अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए। ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है, बट हाँ, आपके अंदर थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड कम है, आलस भी बहुत ज्यादा है, आलस को थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा। आलस को पीछे छोड़कर मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सो ये थी एरीस राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, यार इतना कंजूसी, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, और क्लेम कर दो इस एनर्जी को। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।